तो दोस्तों आज हो गया 3 मई 2022, यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिफाक लिचड़ी फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस को झटका देने का मूड बना चुके हैं, कम से कम उनकी हालिया गतिविधियां इसी तरफ इशारा कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक कदम बढ़ाते हुए अब अपने ट्विटर हैंडल के बायो से कांग्रेस का जिक्र हटा दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में हार्दिक पटेल को लेकर चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल के इस कदम के बाद सियासी अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने और फिर एक महिला पुलिसकर्मी से बदसुल्की के आरोप में गिरफ्तार हुए जिग्नेश मेवानी फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें असम में दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराने के बाद ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी अब वायनाड में भी राहुल गांधी के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। इसी कड़ी में उनके एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू कर दिया है। वे 3 मई को वायनाड का दौरा करेंगी। इस दौरे में वो लोगों से मिलेंगी और विकास कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी लेंगी। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें चुनाव में हार के बाद से बढ़ती ही जा रही है। अब कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर उनकी शिकायत की है। उन्होंने सिद्धू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अब पार्टी नेतृत्व ने भी मामला अनुशासन कमेटी को भेज दिया है। लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा लेकर गर्म नजर आ रहे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि 3 मई को हनुमान चालीसा का पाठ न किया जाए, जिससे ईद के मौके पर सामाजिक तनाव पैदा न हो। इससे पहले ठाकरे ने ऐलान किया था कि अगर राज्य में सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो 3 मई को नमाज के समय उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित दौरे को लेकर विवाद तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र इस मामले में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और राहुल गांधी को कार्यक्रम में हिस्सा लेने की मंजूरी मांगी है। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहुल गांधी के दौरे को मंजूरी नहीं दी थी और कहा था कि यहां किसी गैर अकादमिक गतिविधि को मंजूर नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक में सियासी नाटक एक बार फिर शुरू हो सकता है। राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई को 9 महीने पहले ही राज्य की कमान दी गई थी। मुंबई की सत्र न्यायालय ने सोमवार को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका को बुधवार तक के लिए टाल दिया है। राणा दंपति को अगले 2 दिन जेल में ही बिताने होंगे। राणा दंपति पर 2 समुदाय के बीच नफरत पैदा करने का आरोप है। नवनीत राणा उनके पति पर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर राजनीति करने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फित्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानियां बरतते हुए ईद उल फित्र मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। यही बोल रहे हैं सरकार को, आप परमिशन दिए, आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में पीस होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे भाई, एक नहीं कई जगह करेंगे। और हमारे पास क्या है ना, हम जब रैली करते हम बुलाते नहीं, ए आ आ आ आ, तू गाड़ी लेके आ, 5 लेके आ, 6 लेके आ, 4 लेके आ, वो दिल से आते हमारे पास। ऐसा नहीं, अगर कल सुबह का परमिशन दे दो हमारे को, हम कर लेते रैली वही मैदान में। अरे कहीं पर भी दे दो, इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, एमएम गुरा, कल दे दो, हम आ जाते। हमारे को बुलाना नहीं पड़ता, उधर से तू 5, उधर से 6 लेके आइए, के क्या है वो, ऐसा नहीं करते। सबकी तरफ है इशारा, सबकी तरफ है, एक की तरफ नहीं है। एमआईएम पार्टी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, लोग सुनने आते। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, किसी हद तक मजलिस के पैगाम को कबूल किया गया, किसी हद तक लोग समझ नहीं पाए। आज नहीं समझे, कल समझेंगे। मगर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा जो मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, आप उंगलियां उठाओ, पत्थर फेंको, गोलियां चलाओ, हमको ख़त्म भी कर दो, मगर याद रखो ये हमारा अज़म है, ये हमारा पैगाम है, और हम अपने मकसद में ज़िद के साथ
आगे बढ़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सियासी पार्टी को जिताने का या हराने का ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि मजलिस की कामयाबी से मजलूमों की, अकलियतों की एक आवाज़ और उन पहुँचेगी, उनकी हिम्मत और हौसले बुलंद होंगे और किसी हद तक उनसे इंसाफ भी किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है और हम इस कोशिश में, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करते रहिए और मजलिस को मजबूत करते रहिए और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि असेंबली के इंतखाबात आइंदा साल, उसका मुकर्रर वक्त दिसंबर है। अब नहीं मालूम कि यहाँ की रियासती हुकूमत कब कराना चाहती है। किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने मुझसे पूछा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैंने कहा कि मजलिस के सुदूर मुतमदीन हमेशा एवर रेडी होते हैं। अगर एक महीने में आप कराएंगे तो हम करने को तैयार हैं। हम वो सियासी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अराकीन बे बल्दिया, अराकीन असम्बली, सुदूर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हैं और हमको अपने इस काम को और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात आएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बाज़ लोग कम अकल हैं तो अपने अकल के लिहाज से अपने अपने तज़ियों को पेश करते हैं, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते आए, मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करता आए और इस बार भी कामयाब और कामरान करेगा। शहर के अमन को हमेशा मजबूत रखना है। अमन मजबूत रहेगा तो हर कोई तरक्की करेगा और सुकून और राहत की सांस लेगा। और अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से शहर में अमन है तो यकीनन इसमें इंतज़ामिया और पुलिस को जहां पर क्रेडिट मिलता है, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली से, अपनी दूरंदेशी से और अपने सब्र के साथ इस शहर के अमन को मजबूत रखा और हमको अपने इस शहर के अमन को मजबूत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो लोग फ़िरका परस्ती के जहर को आम करना चाहते हैं, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम मोहब्बत को आम करें, फ़िरका परस्ती को बढ़ने